For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. क्या हाल? सब बढ़िया। पिक्चर तो मतलब फाड़ू है। ट्रेलर? पिक्चर तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। फन भी है, इमोशनल फन भी है। ट्रेलर में तो इमोशनल हाँ क्योंकि वो एक्चुअली वो पिक्चर की इसलिए फन आपको हाँ दैट्स ट्रू। नहीं उसके मोमेंट्स नहीं है क्योंकि वो रिलेशनशिप अच्छी मतलब फादर डॉटर की वेरी स्वीट। नहीं नर्वस तो फील नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक मेरे हिसाब से कि ट्रेलर अप्रिशिएट हुआ है और जैसे आप बोल रहे हो गाने भी अच्छे लग रहे हैं लोगों को तो बस यही उम्मीद है कि पिक्चर भी सबको वैसे ही पसंद है। मेहनत बहुत की है और यही कोशिश है कि हमने एक अच्छी पिक्चर बनाई। ये एक कमर्शियल पिक्चर है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनर है विद अ मैसेज। अदिति जी आप बताइए, आप तो बोल रहे थे कि फन भी है क्योंकि हमने ट्रेलर देखा है तो आप बताएं और संजू बाबा के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो जिस तरह क्या बहुत क्वेश्चंस पूछे एक क्वेश्चन में, पर मैं पहले पार्ट का बताऊंगी कि मैंने बोला फन है क्योंकि जो रिलेशनशिप है फादर डॉटर की एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ऐसा फादर्स हमेशा अपने डॉटर्स को चिढ़ाते हैं पर और डॉटर्स हमेशा अपने फादर्स मतलब दे रैप देयर फादर अराउंड देयर फिंगर, करेक्ट संजू जी? सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप ऑलवेज और एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है, एक टाइमलेस बॉन्ड है, एक जो एक जो एक पिता का अपने डॉटर की ज़िंदगी में क्या मायने रखता है दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। तो दैट इज़ द फन पार्ट ऑफ इट एंड देन जो व्हाट दे गो थ्रू एंड क्या होता है, एक हादसा होता है उनके साथ एंड हाउ दे ओवरकम दैट बिकॉज ऑफ देयर लव एंड द वे दे स्टैंड बाई इच अदर, तो फिल्म उसकी कहानी है। तो देर वॉज फन ऑल्सो, हमारे जो सीन्स हैं संजू सर मेरे इज़ वेरी इंडियरिंग एंड मुझे ऐसे बहुत रियल लगा उनके साथ काम करके क्योंकि एक बहुत इम्प्रॉम्प्टू रिलेशनशिप और केमिस्ट्री है बिटवीन द फादर एंड द डॉटर, सो दैट दैट पार्ट वॉज फन। ऑफकोर्स द स्टोरी इज इंटेंस। आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बोला
आपका एक डायलॉग है मूवी में कि एक लड़की का ससुराल होता है, उसका मायका होता है, घर घर कहाँ होता है, तो क्या आप रियल लाइफ में भी ये बात तो मानती हैं? मैं एक्चुअली द वे दैट जैसे मुझे बड़ा किया गया है, आई हैव द मोस्ट अमेजिंग फैमिली एंड द मोस्ट अमेजिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट सिस्टम. पर इट इज़ ट्रू कि एक जो लड़की होती है वो हमेशा अपनी फैमिली को नर्चर करती है, चाहे वो इवन आफ्टर शी गेट्स मैरिड एंड गोज़ टू अनदर हाउस, हर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हर एंड शी इज़ विथ हर फैमिली टिल द वेरी लास्ट सेकेंड. एनी थिंग दैट द फैमिली मे नीड द डॉटर विल बी देयर. बट Is it always the case कि एक family अपने बेटी के तरफ same, do they stand by their daughters? I don't know. I hope they do. Because फिर एक लड़की को कभी ये सवाल दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा. It should be like that. कि उसका घर जहाँ भी वो रहे उसका घर वहीं होना चाहिए. And even the home that she has left behind should be a home forever. She can't be a homeless person. कि ना यहाँ ना वहाँ. Either it's the father's name or the in-law's name. Aise nahi hota. She is a person in herself and she should feel like that also. Aur Bhumi, the reason ki mujhe bahut achhi lagi hai and I think it will resonate with every girl in this country is because Bhumi ke jo baba hain, he stands by her daughter like that. He empowers her. Wo ek bahut free-spirited ladki hai and wo pyar se pali badi hai, respect se pali badi hai. Which is why she is the way she is and she has the courage with her father to take on the most difficult circumstances. And we should make our girls be that, though, like that, always. There was a recently released film, Mom, with a similar theme where a daughter goes through a physical and psychological traumatic incident and the mother takes revenge. So is there any thought in the back of the mind of the team that there may be some undue comparisons with that film? See, I'll tell you one thing, every film is compared to every other film in the world, right from the beginning when the film started. Okay, so there the topic may be the same, but the treatment is different, the scenes are different. A father and daughter's bonding is also very, very special bonding. A mother and son bonding is a very special bonding. But a father and daughter bonding is something else. And this film has its own feel, has its own content, has its own support system, and has its own love story between the daughter and the father. बाबा आप एक फादर हैं, आप एक फादर हैं और इस फिल्म में आप अदिति के फादर प्ले कर रहे हैं, तो अदिति और आपकी बेटी में क्या सिमिलैरिटीज है अगर आप कुछ बताना चाहें तो? Also sir, being a father, the issue that you are covering in this movie, do you get worried for your daughter? मैं किसका जवाब दूँ? आप इसका देना चाहें सर? सबसे पहले तो आदिति के फादर प्ले कर रहे आप इस फिल्म में और रियल लाइफ में भी आप फादर हैं, तो आदिति और आपकी बेटी में क्या सिमिलैरिटीज देखते हैं आप, और शूटिंग के दौरान मतलब ऐसा कोई पल था जब आप इमोशनल हो? मेरे में सिमिलैरिटीज तो मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मेरी बच्ची 6 साल की, आदिति 6 साल की थी. लेकिन नहीं, हम लोग ने कभी मैंने कंपेयर नहीं किया कि मैं अरुण सचदेवा और ये मेरी बेटी भूमि थी, और जिस हिसाब से मुझे उस वक्त फील हुआ मैंने वैसे ही कहा. बाबा ऑन लोकेशन के दौरान हमने देखा कि अदिति कहती है कि आइए मैं आपके बाल को डाई कर देती हूँ, आइए मैं आपके बाल पक गया मैं डाई. जब इस तरह से एक रियल लाइफ में या इस तरह से जब कोई कहता है कि मैं आपके बाल डाई कर देती हूँ, तो क्या फील करते हैं आप इस तरह के? तो डाई करना कौन सी नहीं, एक बेटी और एक डैडी का रिलेशन में. हाँ, तो मतलब कि छोटे शहरों में ऐसा ही होता है. मुझे याद है जब मैं जेल में था तो वहाँ डाई नहीं मिला, वो दूसरा मिलता था गोदरेज का, तो ऐसा लगता था कि मैंने वो डांबर लगा दिया था. अब बाबा है ना, तो फिर मैंने वो लगाना बंद कर दिया, बोला कि वो डांबर नहीं लगना चाहिए, तो वैसे ही कर दिया. तो एक छोटे शहरों में ऐसे ही होता है, अगर कहीं बाल पे मैं एक पति नहीं लगा तो उसकी पत्नी लगा देती हूँ या उसकी बच्ची लगा देती हूँ, तो ये छोटे शहर की.
Baba, you're doing a very topical film considering today's times. You have been living through different eras. Do you think that today the country is more unsafe for women compared to when you were younger? Yeah, it is unsafe for women, it's unsafe for children. Look at what happened yesterday in the school in Gurgaon. I think it's shameful. It's shameful for something like that to take place in a school. It's a 7-year-old kid, a child. I mean, you keep reading about these rapes and molestations. I mean, I don't think it's the right thing. I mean, I think people should be educated enough because I believe in women empowerment. I believe in Beti Bachao, Beti Padhao. I believe in Save the Girl Child. I believe in non-violence against women. जब छोटे से लेके बड़े तक मैं हमेशा स्त्रियों के साथ पला हूँ, चाहे मेरी माँ हो या मेरी बहनें हो या मेरी बीवी हो या बच्चे हो. तो आई मीन आई थिंक वी शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी कंडेम्ड एंड अ फास्ट ट्रैक ऑफ अ जस्टिस सिस्टम शुड टेक प्लेस. अभी इसको जो जिसने अभी ये बच्चे को मारा है उसको आप केस चलाओगे फिर वो बड़े कोर्ट में जाएगा उससे बड़े कोर्ट में जाएगा क्यों भाई. दैट्स ब्रूटैलिटी. सो आई मीन आई थिंक वी हैव टू लुक इनटू व्हाई थिंग्स बिकम मोर अनसेफ नाउडेज़ लाइक इन द पास्ट 3-4 इयर्स. आई डोंट नो अबाउट द पास्ट 3-4 इयर्स बट आई रिमेम्बर के जब मेरा बचपना था तो ऐसा कुछ हम लोग सुनते भी नहीं थे. लेकिन पता नहीं ये कुछ अभी क्या हो गया पता नहीं. And just speaking about women, you know what happened with Gauri Lankesh, what's your take on? Do you think it's a matter of democracy in India? I have no idea about that, but I mean just it's sad that I mean people are getting murdered like that, and people who matter, people who are journalists, and you know people, I mean I just feel sad about it, you know, and I can't do anything about it. But I think that today in our country any voice of dissent is not, you know, taken very well. And that is a problem. But that is so even with girls, like this whole thing of consent, a voice of dissent, anything that is anti-establishment, all that is looked at as a problem, and these kind of extreme measures are taken. So that is a very, very big issue. Okay, Bob, apart from this, you're coming back with this movie, Bhoomi. Koi khas shaksiyat industry ke, there are so many close friends of yours, which include Mr. Bachchan. There are so many, you know, Rajkumar Hirani saab and all. किसी के लिए खास ट्रेनिंग रखना चाहेंगे या किसी को दिखाना चाहते हैं बिफोर द फिल्म गोज ऑन? प्रोड्यूसर और क्या मैं क्या बोलूं यार. नहीं, वुड यू बी इंटरेस्टेड? हाउ वुड यू बी इंटरेस्टेड? आई वुड लव इट. तो बच्चन साहब और राजकुमार हिरानी बोथ. व्हाई डू वी हैव टू चूज? आईसी जी क्या फीडबैक मिला क्योंकि हमने देखा ट्रेलर सभी को पसंद आ रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री से जो दोस्त हैं उनका क्या फीडबैक मिला उनका अगर कुछ ऐसा रिएक्शन अगर आप बताना चाहें हमें पापा आप भी. पता है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज आई फील लाइक व्हेन पीपल कॉल यू एंड टेल यू समथिंग देन इट्स यू नो इट्स समथिंग पर्सनल दैट दे आर इनकरेजिंग यू कि वो आपको बढ़ावा दे रहे हैं वो आपको यू नो आपको इनकरेज कर रहे हैं. तो पर yes, there have been calls from people I least expected calls from because I don't know them so well, but उन्होंने मेरा नंबर ढूंढ के मुझे कॉल किया और a lot of them are very very close to Sanju sir and they told me about it also कि how close they are to Sanju sir is like family to them. So I feel really lucky कि मुझे ये opportunity मिली to be a part of Bhoomi to have the opportunity to work with Sanju sir and that too in a father daughter story. क्योंकि इट जस्ट मेक्स इट एवरीथिंग मोर एंड मोर स्पेशल. सो द फीडबैक हैज़ बीन अमेजिंग एंड अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री जस्ट फ्रॉम पीपल ऑन ट्विटर इंस्टाग्राम फैंस राइटिंग इन सो इट्स बीन रियली अमेजिंग वेरी वेरी अमेजिंग. इवन फ्रॉम द साउथ आई हैव गॉटन मैसेजेस सो इट्स रियली बीन वेरी very heartwarming. Okay, so the vibe was really positive around the film, whether it's trailer, the teaser or everything. You know, long back you have done a film called Pita. With Mahesh Manjrekar and Nita Das, do you find some similarity between Bhoomi and Pita? If not, what do you think about it? I mean, I just told this gentleman out here, I said like, see, every movie is compared to every movie since the time movie industry started. वही माँ है, वही पिता है, वही विलन है और वही हीरोइन है, वही गाने हैं, वो सब आप शुरू से लेके अभी तक देख सकते हो. लेकिन उस पिक्चर की ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसमें सीन्स कैसे होंगे, उसमें
क्या लाइट पोर्शन होगा वो सब बहुत डिफरेंट हो जाता है, समझे? तो कंपैरिजन आप नहीं कर सकते. Baba, you have always played very heroic on-screen characters. I mean, through the 90s, many of the characters are larger-than-life heroic characters. Now you're playing a father to a grown-up, completely grown-up girl. Was there ever any trepidation that after this you may not get those heroic roles anymore? Can I please first say that the biggest hero is a father? For a girl, the biggest hero is the father. I don't know. Correct. Thank you. No, but in general, those larger than maybe you may get typecast. Did you ever think you may get typecast in daddy, father roles after? See, I'll tell you one thing. I'm playing a character of a father. I'm playing a character of Arun Sajpur. I played Hrithik's father in Mission Kashmir, which is about 12 years old. So I'm playing a character that time. My mother played Mother India when she was 26 years. तो उसके बाद क्या उसको माँ का रोल मिला था श्री 420 में. नहीं था तो फिर वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड दैट्स हाउ वी पोर्ट्रेट. मे बी द नेक्स्ट मूवी विद हर एंड मे बी हर किडनैपर उसको किडनैप कर ले. यू नो व्हाट आई मीन. I think you're wrong for that. I mean, there are many characters which have been offered to me which are larger than life and they are heroes and they are tough, my age kind of guys. Like you see Liam Neeson or you see Mel Gibson, Denzel Washington. I mean, these are roles that have been offered to me, which is very good, you know. A tough middle-aged guy, you know. So, ऐसी बात नहीं है. प्लस अभी स्पाइडरमैन का बाप का भी रोल मुझे मिल रहा है. आपकी बायोपिक आ रही है, इसके साथ साथ में मुन्ना भाई सीरीज का क्या अपडेट अगर आप बताना चाहें तो? हाँ भैया, जो मुझे पता चला है, जो मेरी बातें हुई है राजू से या विरोध जी से, ये मुन्ना भाई का स्क्रिप्टिंग शुरू है और अभिजात स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उसमें. और जैसे इसकी शूटिंग खत्म होगी बायोपिक की, वो राजू जी उस स्क्रिप्ट पे बैठना शुरू करेंगे. एंड देखिए, अगर आप सबकी प्रार्थना अगर भगवान ने सुन ली तो अगले साल तक. बाबा, कुछ टाइम पहले एक टीजर आई थी कुछ साल पहले, मुन्ना भाई चले अमेरिका, क्या उसी लाइंस पे ही? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरे को अमेरिकन वीजा नहीं मिलता, तो अमरीका कैंसिल है. राजू जी एंड So being a father, I have two daughters. I love them. Are you worried, like in the current scenario and things that those are happening? Plus, your movie deals with a very important message. So, having a girl child, does it worry you? It will worry any family. It will worry any family. I think there should be a tough stand taken again. Thank you.